तुम्हारी बहन की शादी है और जिस तरह तुमने इन दोनों की शादी चोरी छुपे कर दी तो नुकसान भी तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। I'm sorry, ये रिसेप्शन नहीं हो सकती। तुमने सुना नहीं, मैं ना नहीं सुनने वाला। मैंने कहा ना मैं एक पैसा नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल खर्च नहीं करूंगी इस रिसेप्शन पर। देखो तुम्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैंने भी बोल दिया तो बोल दिया मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे मैं देखता हूँ तुम पैसे कैसे नहीं दोगी। तो क्या क्या कर लेंगे आप? अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो क्या करूंगा मैं भूख हड़ताल करूंगा। आज के बाद मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा और मेरे साथ मेरी फैमिली में से कोई भी खाना नहीं खाए। हाँ 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 पुत्र, हम तेरे साथ हैं। हाँ अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ बट आई मैनेज। अभी मेरा ना बहुत खाने का मन कर रहा है लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, आप सब मेरे खिलाफ नारे लगा सकते हैं, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक भूखे रहते हैं सब लोग। ए मुगेम्बो, अपने दादी को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए ना मैं लाइफ टाइम भूखा रह सकता हूँ, समझी? Excuse me. दादी आपने रिसेप्शन के लिए हाँ क्यों कहा? हाँ तो इसमें गलत क्या किया? हाँ मैंने ही रिसेप्शन का आइडिया दिया था, पहले ही इनकी शादी अच्छे तरीके से नहीं। अब वजह चाहे कितनी भी जायज क्यों ना हो पर अब इन्हें अपनी खुशियाँ सबके बीच में बांटने का हक तो है ना। और फिर तू अपनी माँ के बारे में सोच, जब आस पड़ोस वाले लोग उससे पूछते होंगे बुलबुल की शादी के बारे में तो वो बेचारी क्या जवाब देती होगी। अरे बेटा रिसेप्शन होगी ना तो कम से कम वो लोगों को ये तो कह सकती है ना मैंने अपने बुलबुल की शादी कर दी। मेरे ख्याल से तो अभी को उसी वक्त तुझे हाँ बोल देना चाहिए था, मैंने इशारे भी किए थे तुझे। दादी अगर दी ने चीजों को मना किया इसमें जरूर कोई वजह रही होगी, वरना दी अपनी बहन की रिसेप्शन के लिए क्यों मना करेगी। आई थिंक दी ने जान बूझ के मना किया क्योंकि अगर एक बारी में मान जाती तो सबको लगता कि पैसे खर्चा नहीं करती, सबको पैसे खर्चने से रोकती है, घर वालों को और अपनी बहन के लिए एक बारी में मान गई इतना खर्चा करने के, तो यही रीजन हो सकते है ना दी? नहीं पूरब, मेरे मना करने की कोई और वजह है। तो क्या वजह है? तो कैसे बताऊं कि आलिया बुलबुल के साथ क्या करने जा रही थी, बोलूंगी तो सब बेवजह परेशान हो जाएंगे। अरे बताना क्या वजह है। दादी जिस डर की वजह से मैंने बुलबुल और पूरब की शादी इस तरीके से करवाई उसी डर की वजह से मैं कह रही हूँ कि ये रिसेप्शन नहीं होनी चाहिए। इनकी शादी को सेलिब्रेट करना मतलब दुश्मन को ये जताना कि हम उसे चढ़ा रहे हैं, उसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आलिया कुछ भी प्रिटेंड करे लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। और उसके सामने अगर हम इन लोगों की शादी को सेलिब्रेट करेंगे उसे तो यही लगेगा ना कि हम उसके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सेलिब्रेशन के आड़ में वो कुछ भी कर सकती है पर हम उसे रोक नहीं पाएंगे। और तो और दादी हमें ये भी तो नहीं पता कि वो इंसान कौन है जो आलिया की मदद कर रहा है सब में। और उस डेकोरेटर के पकड़े जाने के बाद तो वो इंसान और भी अलर्ट हो गया होगा। दादी हो ना हो आई एम श्योर इन पर इल्जाम लगाने का आइडिया भी उसी इंसान का। और जब हम जानते ही नहीं कि वो इंसान है कौन, वो तो कुछ भी कर सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना दादी। तो कितना सोच रही है, इतना भी डरना ठीक नहीं। लेकिन दादी फैमिली की सेफ्टी के लिए इतना डर तो लगता है ना। इधर मेरे पास बैठ जरा, इधर बैठ। अच्छा मुझे ये बता रोज सड़क पर कितनी गाड़ियां चलती हैं? बहुत सारी दादी। रोज एक्सीडेंट कितने होते हैं? ये तो गिनती नहीं है। तो एक्सीडेंट के डर से क्या लोग सड़क पर गाड़ियां चलाना छोड़ देंगे? बेटा मैं मानती हूँ परिवार की हिफाजत के लिए सुचेत रहना, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है पर परिवार की खुशियों के लिए थोड़ा सा निडर होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बात मान जा और अभी को जाके हाँ बोल दे। अरे बेटा शादी एक बार होती है लेकिन शादी की खुशियों की याद जो है ना जिंदगी भर साथ रहती है और ये याद अच्छी हो इसलिए शादी का जश्न मनाना बहुत जरूरी होता है। जश्न नहीं मनाएंगे तो कल को अपने बच्चों को क्या बताएंगे?
ये फोटो कौन सी दिखाएंगे? देख बेटा, तू चिंता ना कर, हम सब है ना नजर रखने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कोई भी कुछ भी हमारे घर में करके चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। बेटा जिद मत कर, अपने घर में एक बहुत बड़ा जिद्दी है ना, अरे उसने अगर बोल दिया ना खाना नहीं खाऊंगा तो वो नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। फिर रोती हुई आ जाना मेरे पास, सुबह से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, भूखे हैं। अब जा, जाकर उसे हाँ बोल दे। और बेटा रिसेप्शन की तैयारियां खुशी खुशी करना शुरू कर दो। अरे भाई खुशियां आई हैं हमारे घर, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। कहाँ रह गया ये? फोन करती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने? कहाँ रह गए थे का क्या मतलब? तुम्हारे भाई ने सिक्योरिटी का ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि हम छुपते छुपाते बचते बचाते कैसे आए हम जानते हैं। खाली हाथ क्यों आई हो? बैग कहाँ है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब पैसों का बैग। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दूंगा तो तुम अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। मैं यहाँ कोई तुमसे इन्फॉर्मेशन लेने नहीं, तुम्हें काम देने आई हूँ। अच्छा, कौन सा काम? वही काम जिसके मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने वो काम पूरा भी नहीं किया, प्रज्ञा को मारने का काम। बकवास बंद करो, मैंने अपना काम पूरा किया है। ये तुम्हारा भाई है ना, जो उसको उसको बोलो लाइफ में थोड़ा क्लियर रहे, या तो वो डैंग 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 रॉकस्टार बने या फिर हीरो बने। नहीं मतलब बहन प्रज्ञा को मारने का प्लान बनाती है और भाई आप पाप इन द वे सुपरमैन की तरह उसको बचा ले जाता है। क्या ये हमारी तो पूरी मेहनत पानी में मिल गई ना? तुम्हारे घर में रामलीला नहीं, तुम्हें अपने परिवार पे फिल्म बनानी चाहिए। बकवास बंद करो, जो काम तुम इतनी आसानी से कर सकते थे वो तुम्हारी ये स्टूपिड नौटंकी की वजह से, अप अप इन द एयर, ये सब ड्रामेबाजी की वजह से ना लेट हो गया। सुपरमैन करता है उच्च शराब। प्रज्ञा अब तक मरी हुई होती लेकिन तुम्हारी ड्रामेबाजी की वजह से वो जिंदा घूम रही है। पागल हो गई है क्या? हमारे राज ने कहा था कि प्लान ऐसा करना कि लगे एक्सीडेंट है। तो तुम्हें क्या लगता है उसी पैसे में मैं दोबारा काम करूंगा? इतने शरीफ तुम हो नहीं कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कायदे से तो ये काम तुम्हें खुद पूरा करना चाहिए था, लेकिन तुम तो वो करोगे नहीं। अब मुझे ये बताओ कि तुम ये काम करोगे या फिर मैं किसी और को ढूंढ लूं? करने और होने पे आए तो पता नहीं क्या क्या कर जाए। तुम्हारी फैमिली में सब मुझे जान गए तो अब रिस्क हो गई है डबल, पैसे भी डबल चाहिए। अब अगर तुम दे पाओ तो आना मेरे पास, नहीं तो किसी और से करा लो। कितने लालची होना तुम? बेवकूफ बनने से तो अच्छा है कि ये तुम्हारी भाषा में लालची बने रहे। मैंने आज तक खुद पे एक मक्खी नहीं बैठने दी है, तुम्हारे परिवार में फंसकर मैंने मार खाई चुप खड़ा रहा। इस बार तो मैं इस मैड हाउस में आ गया फ्री में, लेकिन दोबारा अगर इस मैड हाउस में आना है तो पैसे डबल चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ध्यान रहे पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम काम खत्म कर दोगे, यानी कि प्रज्ञा को मारने के बाद। जब उसकी डेड बॉडी में आग लगेगी उसके बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। अपने रूठे पराए रूठे यार रूठे ना, दिया इतना डिस्काउंट, तुम भी क्या याद रखोगे? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारे उन दोनों साथियों को भी नहीं। ये बात मैं भी तुम्हें बोलने वाली थी कि ये बात तनु या राजभैया को नहीं पता चलना चाहिए, फिर किसी को भी नहीं। कितनी क्यूट हो यार तुम, नहीं मतलब सोच कितनी मिलती है हमारी, ये देखो शैतानी जो है ना टूट टूट के भरी हुई है। ऐसे कौन से शैतान को मानती हो? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ लिया, कब मारना है? जब तुम चाहो तब, एक्चुअली जितना जल्दी हो सके उतना बेटर, पर याद रहे पता है ऐसे मारना कि लगे एक्सीडेंट है। यही ना, बहुत डिमांड से यार तुम्हारी फैमिली की, इसलिए मेरी प्राइस भी डबल हो जाती है। हाँ तुम और काट लो, मच्छर बहुत है, डेंगू वेंगू हो गया तो काम लटक जाए। चलता हूँ। सायोनारा। कैसे हो गई है? पत्थर का नहीं मेटल का दिल हो गया है इसका।
अपनी बहन के रिसेप्शन के लिए ना बोल दिया, क्या करेगी इतने पैसों का? नोटों की अगरबत्ती बना के खुद की पूजा करेगी? रिश्ते कोई मैटर नहीं करते इसके लिए, ऐसे तो इसे पुरानी वाली प्रज्ञा बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। भूख भी हमेशा गलत टाइम पे लगती है, जब पता है कि आज स्ट्राइक है तो थोड़ा इसे भी समझना चाहिए, इस टाइम पे कभी भूख नहीं लगती। नहीं अभी, तूने दादी को प्रॉमिस किया, ये स्ट्राइक और फाइट दादी के लिए, तू उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। सॉरी फूकी, आज हमें भूखा ही रहना पड़े। ओए नल्ले रॉकस्टार, इसे घूर के क्या देख रहे हैं? जो किया है ना तेरी गर्लफ्रेंड ने किया, इसलिए जो बोलना है जाकर उसे बोल। दोबारा ऐसे देखा ना तो बॉल कट के गच्चा कर दूंगा, समझा? आप मेरा गुस्सा इन टॉयज पे क्यों निकाल रहे? मेरी सीढ़ी कहाँ पर रखी? मैं आपसे बात कर रही हूँ। उस तरफ रखी है, मैं भी। ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार। फुगी, तुमने कुछ कहा क्या? कोई पैसे देने की बात? उसने नहीं, मैंने कहा। तुमने नहीं कहा, फिर किसने कहा? आवाज अभी भी आ रही है। अभी आ रही है, बाद में नहीं आएगी। हाँ तो जिस तरह सबके सामने आकर तुमने ना बोला था ना, उसी तरह सबके सामने आकर हाँ बोलो, तब जाकर भरोसा होगा मुझे, वरना तुम पर कोई भरोसा नहीं है, समझी तुम? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ट्रस्ट में। देखो, ट्रस्ट ना ये बोलने से नहीं बनता, वो बताने से बनता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो चलो नीचे और सबके सामने हाँ बोलो, वरना देखो भूख हड़ताल इसी तरह चलता रहेगा। अब जल्दी से मान जाओ, वरना अगर भूख बढ़ गई ना मैं ही खा जाऊंगा। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंट्स, सारी एंड पैंट्स, मैं सबके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कम ऑन एवरीवन। गुड न्यूज है मतलब तुम खाना लेकर आए हो? भाई ने सबको बाहर क्यों बुलाया? क्या गुड न्यूज देनी है उन्हें? अरे अभी, सबको एक साथ क्यों बुला रहा है? पता है ना तुझे, वैसे भी खाली पेट में जान में जान नहीं रहती है। अरे दासी, ऐसी खबर लेकर आया हूँ ना जिसे सुनने के बाद आपकी जान के अंदर जान आ जाएगी। आज इतिहास में पहली बार विलेन ने आकर हीरो को सॉरी बोला, और हीरो ने इस हंगर स्ट्राइक के डिसीजन को कॉल ऑफ करने के बारे में सोचा। मतलब हंगर स्ट्राइक खत्म और हमें मिलेगा खाना? पर अभी ये सब कुछ हुआ कैसे? अब इनविटेशन देना पड़ेगा। आओ सबको बताओ कि तुमने हार मान ली, और ये भी कि तुम रिसेप्शन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो। कम ऑन। ये सही बोल रहे हैं, मैं इस रिसेप्शन के लिए पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो प्लीज ये भूख हड़ताल खत्म कीजिए और जाइए, जाकर खाना खा लीजिए। आप इसके पहले कि इन दोनों का मन बदल जाए, हम जाकर ना पटाख से खाना खा लेते। चल चलो चलो चलो। एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुगैम्बो, अब तुम्हें माफी भी मांगनी होगी। क्या? किस बात की माफी? मेरे डिसीजन के अगेंस्ट जाने के लिए, मुझे कमजोर दिखाने के लिए, मेरी इंसल्ट करने के लिए, यहां तक कि मेरी बात को काटने के लिए। मैं कोई माफी वाफी नहीं मांग रही। अगर तुम माफी नहीं मांग रही हो तो ये स्ट्राइक इसी तरह चलता रहेगा। स्ट्राइक जिंदाबाद। अरे बेटा, हमारा काम हो गया ना, अब इसकी सॉरी का हमने अचार डालना है क्या? अरे नहीं दादी, इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसे क्या लगता है कि इसके पास पावर है और पैसा है तो ये मेरी बात इसी तरह काटती रहेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज इसने मेरी बात काटी है, कल को आप सबकी बात भी काटना शुरू कर देगी, है ना? अगर आज ये सॉरी बोलेगी ना तो इसे एहसास होगा और फिर याद भी रहेगा कि इसे हमारे से पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है जो खत्म नहीं होगा, इसलिए मुझे तुम्हारे इस एटीट्यूड को खत्म करना।
देखो अब जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगी ना इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। अरे मेरी फैमिली है ये लोग मेरी बात सुनेंगे। तुम्हारी तरह नहीं है अपनी फैमिली को बताए बिना अपनी बहन की शादी करवा दी। अब देखो अगर इस घर पर हुकुम करना है ना तो सॉरी बोल दो वरना अपना फर्नीचर लेके किसी कोने में जाकर उस पर हुकुम चलाओ। ठीक है ठीक है ठीक है I'm sorry कि मैंने रॉकस्टार अभी की बात काटी। आप में से किसी को लगता है कि शी इज एक्चुअली सॉरी? तुम्हारे इस वाले सॉरी में मजा नहीं। मुझे ऐसे ही सॉरी बोलना था। आपको एक्सेप्ट करना है कीजिए वरना मत कीजिए। अपने ईगो के चक्कर में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भूखा रखिए। आई रियली डोंट केयर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सॉरी बॉरी। मुझे अपनी फैमिली की बड़ी है बेचारे भूखे है इसलिए स्ट्राइक खत्म। अरे आप लोग जाइए खाना खाइए। मैं भी आती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ मेरी हेल्प अपने आप ही हो गई और ना अगर पूरब और बुलबुल हनीमून पे चले जाते तो मैं प्रज्ञा पे फोकस नहीं कर पाती कि उसे कैसे मारना है। रिसेप्शन होगी तो मैं तीनों पे एक साथ नजर रख पाऊंगी। What the heck? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बेवजह डर उन्हीं लोगों को लगता है जिनके जिनके मन में कुछ गलत होता है या उनके मन की प्लानिंग किसी के सामने आ जाती है। मुझे कुछ काम है। एक्सक्यूज मी। सब खाना खाने गए हैं। खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा मन नहीं। मन नहीं है या मन को कोई बात चुभ रही? हाँ चुभ रही और सिर्फ इतना ही नहीं तीर बनकर दिल में उतर चुकी है। इतनी तकलीफ हो रही है मुझे और क्या करूं रोकर अपनी तकलीफ कम भी तो नहीं कर सकती ना। पर हाँ तुम हंसकर मेरी तकलीफ बढ़ा जरूर सकती हो तो एक काम करो तुम हंस लो और मेरी तकलीफ को और बढ़ा दो। सबके सामने मुझे एक्सपोज करना चाहती हो ना कर दो सबके सामने एक्सपोज मुझे कि मैं अभी पूरब से प्यार करती हूँ। अरे एक बार बताकर सब खत्म कर दो एटलीस्ट मेरे साथ ये माइंड गेम्स तो मत खेलो ना तुम। मैं माइंड गेम्स नहीं खेल रही आलिया मैं। ओह रियली? तो फिर क्या है ये सब कुछ? एक पल को रिसेप्शन के लिए मना करती हो और दूसरी पल आकर बोलती हो कि हाँ रिसेप्शन होगा मैं पैसे दूंगी। मुझे बोलती हो कि मैं पूरब को भूल जाऊँ बड़े बड़े लेक्चर देती हूँ और फिर सबके सामने ये I just don't understand कि मैं गलत कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? प्यार करती हूँ पूरब से genuinely प्यार करती हूँ और कब से करती आई हूँ। अब अगर पूरब की शादी किसी और से हो गई इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे प्यार करना बंद कर दूंगी। कब से कब प्यार करने का नाटक तो नहीं किया ना मैंने उसके साथ उसकी फीलिंग के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया ना जैसे तुम कर रही हो मेरे भाई के साथ। सब जो कुछ भी है मैं जानती हूँ तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन मैं खुद ये रिसेप्शन नहीं चाहती। वो तो तुम्हारे भाई की जिद थी जिसके आगे झुककर मुझे हाँ बोलना पड़ा। How convenient प्रज्ञा मेरे भाई की जिद परिवार वालों की खुशी पूरब की खुशी तुम्हारी बहन बुलबुल की खुशी लेकिन मेरी खुशी का क्या? तुम सबकी खुशी की वजह से मैं हर दिन हर रात एक एक सजा की तरह जी रही हूँ। यू नो इट्स लाइक अ पनिशमेंट फॉर मी लेकिन किसी को वो नहीं दिख रहा है सबको अपनी खुशी दिख रही है। अब रिसेप्शन अटेंड नहीं करूंगी तो सबको लगेगा कि मुझे अब भी कोई फर्क पड़ता है और अगर कुछ भी गलत होगा तो सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ आलिया ने किया। अपनी आंखों के सामने मैं उन दोनों को कैसे देख सकती हूँ? तुम सब लोग उनकी मैरिज को सेलिब्रेट करोगे और मैं अपने पूरब को सामने देखूंगी और मेरा भी नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट ईजी बट यू नो वट तुम्हें मेरी बातें भी झूठी लग रही होंगी और मेरे आंसू भी। अगर मुझ पे कोई एहसान कर सकती हो तो हाथ जोड़कर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ मुझ पर एक एहसान कर दो। जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना मेरे सामने पूरा जब उसकी कोई भी बात मत करो। जब प्यार मैंने किया है तो सजा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। सो फॉर गॉड्स सेक लीव मी अलोन। ये क्या नया ड्रामा है? आलिया सच में रो रही थी या कोई नाटक कर रही थी?
बड़ी आई सिंपति दिखाने वाले। एक बार जब ये आखिरी सांसें लेगी ना, तभी मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। काश कि मैं अपने हाथों से इसे मार पाती। आलिया, तुम उस प्रज्ञा के सामने रो रही थी और तुम मेरी जासूसी कर रही थी। जासूसी नहीं कर रही थी, वहां से जा रही थी जो मैंने देखा। तुम सब यही तो चाहते हो ना कि मैं पूरब को भूल जाऊं। जब तुम में से कोई भी मेरा साथ नहीं देना चाहता तो मैं करूं तो क्या करूं? इनफैक्ट मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं यार? मैंने तुम्हें ऐसे कभी रोते हुए देखा नहीं तो थोड़ी घबरा गई थी। सियाले, अगर तुम्हें रोना है तो तुम मेरे सामने रो, अपना दिल हल्का कर लो। पूरब को भुलाने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ओके? लेकिन आज के बाद तुम उस प्रज्ञा के सामने कभी नहीं रोगी। मैं रो नहीं रही, रोने का सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि उसे ना पता चले कि इसके साथ क्या बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला? एक मिनट, मतलब तुम कुछ प्लान कर रही हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं कुछ भी करूं, तुम अपने काम से काम रखो। मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूं। चुप रहो। और अगर तुमने एक और वर्ड बोला ना तो ट्रस्ट मी, बाकी सबके तो बाद में देखूंगी, लेकिन सबसे पहले किसी को हायर करके तुम्हारा मुंह बंद करवाने का प्लान बनवाऊंगी मैं। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन रोते हुए मेरे पास मत आना। कैसे मरवाऊं उस प्रज्ञा को? आग में जलाकर या फिर कुछ और? कैसे भी करके बच जाती है वो, और कुछ ज्यादा क्रूर सोच आलिया। हाँ, जैसे कि उसकी गर्दन पर नाइफ रखकर धीरे धीरे काटना और उसकी शक्ल देखते रहना कि वो कितना तड़प रही है, तब जाकर तुझे असली शांति मिलेगी।